Srishti Pathak, and welcome back to the Lockdown Edition. Today we're going to be having Jaideep Alawat joining us in this live conversation. So I'm going to join him here very shortly. Meanwhile, if you guys have any questions for him, you all can let me know. Main unse pooch lungi. Hello. Hello. How are you doing? Kaise hain aap? I am good. आप कैसे हो? बस बस दुआएं आपकी सब ठीक. Am I audible? आपका वीडियो अटक रहा है. Yes, yes. आपको सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? हाँ जी अभी ठीक है. So tell me, क्या हाल चाल, कैसा चल रहा है आपका? थकावट से भरपूर, सारा दिन फोन पे. इतना लाइफ में कभी फोन में कोई नहीं रहा होगा? नहीं मतलब ही नहीं, इतना कभी लाइफ में. पहली बार इसका लाइव सीखा है मैंने, और लिंक स्वाइप करने आ गए हैं मुझे अभी, लिंक अटैच करने आ गए हैं. इट्स मैडनेस. हाँ बस लॉकडाउन है, दूसरा कोई चारा भी नहीं है. बट जैसे कि लॉकडाउन है, लोगों का काम रुका पड़ा है, लेकिन हमने तो पाताल लोक का देख लिया है ट्रेलर. थैंक यू. हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में. हाय अभिनव. हाय भाई. हाँ जी 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 बोलिए. तो बताइए आपका कैसा रहा सफर फॉर शूटिंग? बहुत ही अच्छा मैम, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग राइटिंग है, और पहली बार कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो श्योर नहीं है कि उसको लाइफ में क्या चाहिए और उसको किस तरह चाहिए. तो वल्नरेबल इज ट्राइंग बेस्ट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, टू बी इन अ स्पॉट वेयर पीपल, और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही वॉन्ट्स दैट रिस्पेक्ट फ्रॉम विद इन, यू नो. That confidence he is looking for. So, तो आसपास जितने लोग हैं शायद वो भी उसको उस तरह से सीरियस लेना शुरू करें. और इतनी कमाल की राइटिंग है वो कि वो नाट्यशास्त्र में है, नौरस का जिक्र होता है, तो वो सबके सब इसमें है. और पहली बार कोई इतना वल्नरेबल, कोई इतना ऐसा हारा हुआ, हताश, जीने की इच्छा रखने वाला, जीतने की चाह रखने वाला एक ऐसा कैरेक्टर करने को मिला, विच इज वेरी यूनिक एक्सपीरियंस एक्चुअली. आई नो, एंड आई एम सो ग्लैड कि ये लॉकडाउन के टाइम पे आ रहा है, तो हम सब इतना जो अच्छे अच्छे कंटेंट देखना चाह रहे हैं, तो हमें ये देखने का मौका मिलेगा. जरूर जरूर, ये बहुत ही रोलर कोस्टिंग राइड होने वाली है आप लोगों के लिए. हमें बताइए इसकी शूटिंग कब खत्म हुई, लॉकडाउन से कितना पहले? हाँ लॉकडाउन से काफी पहले एक्चुअली, क्योंकि एक लंबी सीरीज हो जाती है. आप देखिए ना कि दो ढाई घंटे की फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन में ही दो तीन महीने लग जाते हैं जी. तो ये तो नौ एपिसोड की सीरीज है, तो करीबन तीन फिल्मों की लेंथ है जी, तो जी, उसके जी. पोस्ट में तो काम होना ही होना था, तो वो ऑलरेडी डिसाइडेड था कि इसी साल रिलीज होगी जी. तो अब अमेजोन का अपना एक पैटर्न है कि वो किस, क्योंकि और भी बहुत सारे शोज आते हैं, तो उसके हिसाब से एक स्लॉट मिलता है उनको भी, तो उसी के लिए. लेकिन वहां पिछले साल शूट हो गई. खैर ये तो बात हो गई इस शूट की जो हो चुका है, बट ड्यूरिंग जब ये अनाउंस हुआ कि सबको अब घर बैठना पड़ेगा, क्या कुछ और भी कर रहे थे जो आपको अभी होल्ड पे रखना पड़ा? एक्चुअली बहुत सारा काम खत्म हुआ था, मतलब एक खाली पीली फिल्म है वो खत्म की थी, और बागी रिलीज हुई थी जी. और बागी को दो हफ्ते हुए थे, दूसरा हफ्ता चल ही रहा था कि लॉकडाउन हो गया, तो अगले प्रोजेक्ट्स पे जब तक जा रहे थे तब तक घर बैठना पड़ गया. अभी ये खत्म होने के बाद ही तो शुरुआत होगी. तो जहां तक खत्म होने का सवाल है, हम सब ऐसे हैं, हम सब अपने अपने एंटिसिपेशंस यूज करते हैं कि ये तो ना शायद जून तक चलेगा, ये शायद जुलाई तक चलेगा. आपका क्या एंटिसिपेशन वाला है? मैं ऐसा कुछ सोच नहीं रहा हूँ, बस मैं यही होप करता हूँ जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी परेशानी हो रही है. हम फिर भी मुझे लगता है कि थोड़े प्रिविलेज्ड हैं जो थोड़े सेफ है. और लेकिन जो फॉर एग्जांपल मैं इंडस्ट्री की बात कर लूँ, तो बहुत सारे ऐसे लाखों में ऐसे लोग हैं जो पर डे पे काम करते हैं, पर डे के हिसाब से पैसा आता है. तो अभी जितना लंबा ये लॉकडाउन रहेगा, जितना लंबा काम बंद रहेगा, उतनी ज्यादा तकलीफें होंगी. तो और वैसे भी एक महामारी है, जितना जल्दी खत्म हो उतना बढ़िया है. जी जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी. जैसे अभी हम सब घर पे हैं, हम बार बार सोशल मीडिया पे क्लिक करते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे जाते हैं. जैसे कि सभी घर पे हैं, लोगों के पास कुछ ज्यादा ही खुला वक्त है, तो काफी फेक रूमर्स, काफी नेगेटिविटी फैलाते हैं लोग, तो आप कैसे उस चीज को? मैं जाता ही नहीं.
मैं जाता ही नहीं हूँ, मैं मतलब ही नहीं, मैं न्यूज चैनल्स पे तो भरोसा मुझे बिल्कुल नहीं है। मैं टीवी, एक तो टीवी नहीं देखता हूँ पहली बात, मैं टीवी देखता ही नहीं है अंटिल अनलेस मुझे कुछ ऐसा लगे कि आज कुछ ऐसी फिल्म आ रही है, ऐसा कुछ आ रहा है, मुझे नहीं लगता। लॉकडाउन के बाद से ही देख लो, अभी कितना करीबन करीबन 2 महीने होने को आए जी, मैंने एक दिन भी टीवी नहीं देखा है जी। तो मैं न्यूज पे तो जाता ही नहीं हूँ पहली बात। दूसरा जो जो अब क्या है ना, जितना जितना नेगेटिविटी फैलाने वालों के नजदीक जाओगे आप, आपका दिमाग खराब होगा और किसी का नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपका वो अलग टेंशन में है लाइफ में। बट जितना बच के रहोगे उतना बढ़िया है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि, और ये जो सोशल मीडिया पे जो न्यूज चलती रहती है उनमें से किसी की ऑथेंटिसिटी नहीं, और हम इतना कोशिश भी नहीं करते जाके एक बार गूगल ही करके देख लो या कोई उसका एक उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लो, तो ऐसे ही भेजते रहते हैं हम लोगों को, विच इज वेरी बैड। तो ये आपने जैसे कि बताया कि आप देखते ही नहीं, इससे हमें भी एक टिप मिल गया है कि चलो देख के गुस्सा होने से अच्छा देखो ही मत। एग्जैक्टली, क्योंकि वो सब कुछ जो दिखा रहे हैं वो आपको एक्चुअली आपको गुस्सा करने के लिए दिखाया जा रहा है। आप उससे भ्रमित हो रहे हो, आप डिसओरियंट हो रहे हो उससे, उसका पर्पज ही यही है कि आपको गुस्से में रखें बिना बात। राइट राइट, तो मुझे लाइक आई रियली आई एम काफी आप इंटरेस्टिंगली हमें बता रहे हैं ये चीज, तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ऐसे सिचुएशन में अगर यू नो जैसे लोगों को जिनको बंद रहना पसंद नहीं है, बंद रह के जो मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं जी, वो क्या करे ऐसे मौके पे आपके हिसाब से? अब मैम अगर वो एक्चुअली एक 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 फिजिकल कंडीशन है तो उसका तो वो तो एक ये लगा लो कि जो जिनको इस तरह की से बीमारी होती है वो तो डॉक्टर से बता पाएंगे, पर अगर सिर्फ ये कि आपको आदत नहीं है पहले और अभी बंद हो गया है तो उसका तो कोई ना कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा। हम अपने आसपास देखिए ना, आपका परिवार है, आपके आपके दोस्त यार हैं, अभी ऐसा भी नहीं कि आप उनसे बात नहीं कर सकते। इमेजिन करो अगर इंटरनेट नहीं होता तो अभी आप लोगों से बात कर सकते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट की चीजें निकालिए। टीवी चल रहा है, टीवी में कुछ और देख लीजिए, जरूरी नहीं है कि आपको वही सब फेक न्यूज देखने की जरूरत पड़े, और बहुत कुछ आता है टीवी पे वो देख लीजिए, अपने एक्सरसाइज कीजिए, खाना ठीक रखिए, बहुत तरीके हैं, आप ढूंढ लेंगे कुछ ना कुछ। तो जैसा कि आपने कहा इंटरनेट नहीं होता तो, ये तो बड़ी सोचने वाली बात है, अगर इंटरनेट नहीं होता तो आप क्या कर रहे होते फिलहाल, कैसे अपना वक्त गुजारते हैं, कैसे प्रमोट? आई थिंक मेरे पास अपना एक कलेक्शन है, क्योंकि एज अ सिनेमा स्टूडेंट और बीइंग एन एक्टर एक अपना एक कलेक्शन है मेरे पास, जो फिल्में हैं उसमें बहुत सारी हैं, मतलब वो रोज भी एक देखूंगा तो 4 साल में खत्म होंगी, इतनी सारी। तो मैं वो देख रहा होता, टीवी देख रहा होता, शायद किताबें और ज्यादा पढ़ रहा होता, तो वही सब होता। तो सिनेमा लवर जैसे आपने कहा कि आप हो, आप मुझे बताइए आपने कभी थिएटर्स ट्रेनिंग कुछ किया है इन द पास्ट? जी जी बिल्कुल, मैं थिएटर से शुरुआत की थी और उसके बाद फिल्म इंस्टीट्यूट में 2 साल मैंने ट्रेनिंग ली है एक्टिंग की प्रॉपर, तो उसके बाद मुंबई आया, 2 साल FTI पुणे से पढ़ा होगा। जी जी, वाओ वाओ, तो आप बताइए आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, इतने सारे लोगों के साथ काम किया है जी, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप दोबारा से करना पसंद करेंगे, बार बार करना पसंद करेंगे किसी के साथ, बताइए हमें। नहीं, आप उस सेम कैरेक्टर को, आई डोंट नो, वो मुश्किल होता है वो जर्नी, मतलब कई बार जैसे मीर दोबारा करने में मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होता है वो जर्नी दोबारा से अटेन करनी ना, बहुत भारी हो जाती है। पता नहीं, आई थिंक मैं कमांडो का जो है AK-74 दोबारा करने की सोचूंगा, क्योंकि शायद मैं कुछ कुछ को कुछ तो और नए तरीके से कर पाऊंगा, उसमें है वो ऑप्शन है उसको बदलने का, लेकिन मीर आई थिंक इट्स टू क्लोज टू द परफेक्शन एज अ राइटिंग ऑफ मीर, द कैरेक्टर ऑफ मीर जो लिखा गया है, कि उसको मैं बदल नहीं पाऊंगा उसमें कुछ। हाँ, हो सकता है कुछ बेटर कर पाऊं, बट दैट विल बी अ लिटिल यू नो हैवी जर्नी टू गो थ्रू दोज इमोशंस अगेन, बट AK-74 इज मोर फ्लैम्बॉयंट, तो उसके साथ खेला जा सकता, मजा लिया जा सकता। जी जी सॉरी, तो मुझे ये पूछना था कि अभी जैसे कि ये पैंडेमिक है और इसकी वजह से हम घर पे बैठे हैं, लेकिन इससे पहले कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहीं लॉक हो गए हो, या कभी बचपन में मम्मी ने लॉक कर दिया हो शैतानी की वजह से, या कभी कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है लाइफ में?
लिफ्ट में जरूर फंसे हैं एक दो बार लंबे टाइम तक, बाकी ऐसे किसी ने लॉक नहीं किया है कि बहुत लंबे टाइम तक लॉक करके कोई भाग गया हो। और मम्मी तो बिल्कुल वो कभी हाथ भी नहीं उठाया हमारे ऊपर, तो इस मामले में तो बड़े वो रहे हम। तो हाँ लिफ्ट विफ्ट में कहते, या कॉलेज हॉस्टल वोस्टल में कभी कभी कर देते थे बच्चे, बॉयज हॉस्टल में होता रहता है, बाहर से कुंडी लगा के चले गए, तो पर उसका टेंशन नहीं है, पड़े हैं खोल देंगे अपने आप, नहीं तो जब बाहर निकलने का मन होगा तो तोड़ देंगे गेट, उसकी टेंशन नहीं होती। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि आप बॉयज हॉस्टल में थे, आप हमें अपने बॉयज हॉस्टल का सबसे फेवरेट डे के बारे में बताइए, जो सबसे फेवरेट डे था। मैं वो हर दिन होता है उनका, मतलब वो होली में एक दूसरे पे, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब इंडिया पाकिस्तान के बीच में फायरिंग हो रही है, ऐसे ऐसे होली खेलते हैं वो, जो दिवाली में पटाखे चलाते हैं तो एक पूरा एक गैंग उधर उस कॉरिडोर में खड़ा है, एक गैंग इधर कॉरिडोर में खड़ा है और एक दूसरे पर रॉकेट छोड़ रहे हैं, मतलब क्या चल रहा है। तो हॉस्टल लाइफ है ना, मुझे लगता है थोड़ी अजीब होती है, थोड़ी सी पगलेटों वाली होती है, उसमें इतनी एनर्जी होती है उस वक्त कि कुछ भी करते रहते हैं लोग, बट बहुत फन होता है वो। खाने खाने के जो 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 मैस के जो इंसिडेंट होते हैं वो बड़े अतरंगे होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे किस्से। हरियाणा में हॉस्टल, मतलब आप सोच के देखो, रोहतक में जाट यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, और बहुत फन होता है उन लोगों का। तो इस मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, हम फैन क्वेश्चंस भी देखेंगे, लेकिन एक सवाल जरूर पूछूंगी कि जैसे हम सब जैसे हम सब इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं लाइक अ गुड सिटीजन, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि 10 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे कुछ लोग हैं अभी भी जो मस्ती कर रहे हैं बाहर, तो उनको अपने फेवरेट किरदार के यू नो लैंग्वेज में क्या बोलना चाहेंगे आप? What will you tell them? एक बड़ा इन दिनों जब ये सब चल रहा था तो एक मीम बना हुआ था एक्चुअली वर्ड्स का, कि अगर आप घर पे बोर हो रहे हैं तो बाहर मत निकलिए, क्योंकि बाहर पुलिस बोर हो रही है वो घर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है ना। और मैं तो वैसे ही हाथीराम चौधरी का कैरेक्टर है, तो अच्छा है भाई अपने घर पे रहो, नहीं तो पुलिस एकदम जो है भन्नाई बैठी है बाहर, वो अपने घर नहीं जा पा रहे बेचारे आपके चक्कर में, तो लट लाग जाएंगे, अपने घर में रहो। सही कहा। So now I will quickly go through the fan questions. काफी सारा कुछ लोगों ने लिखा है। हाय अंकेश, कुमुद, सुष्मिता चौधरी, तो आजकल नाम उसमें एक उसमें नाम लिखना पड़ता है ना, कोई लंबा नाम हो तो पढ़ा ही नहीं जाए। हाय जावेद आए निकल, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। नसीब कहते हैं कि कमांडो AK-74 कमाल का काम किया है आपने, लव यू सर। थैंक यू नसीब, थैंक यू भाई। देन देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, देयर इज अ लॉट ऑफ हेलो एंड हार्ट्स फॉर यू। आप मुझे बताइए कि ये तो चलो यहाँ पे तो काफी आपके जितने भी फैंस होंगे सबके सब तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन आपके जितने भी फैंस है, ये लो हमारे एक वीर जी आ गए, जगजीत संधू, और क्या हाल है भाई। ये हमारे C4 चाकू है, हमारे हमारे क्या नाम है पाताल लोक के देखा था हमने, क्या हाल है, बढ़िया, बहुत ही कमाल का एक्टर है, बहुत ही शानदार एक्टर है और बहुत फनी है, तो पंजाब से, तो आधे हरियाणा पंजाब ऐसे ही एक अजीब सा एक फनी बोन होती है, ये कुछ ज्यादा ही फनी है और बहुत ही कमाल का एक्टर है। थैंक यू सो मच ब्रो ज्वाइन करने के लिए। तो मैं पूछ रही थी कि इतने सारे फैंस जो होंगे आपके जो फिलहाल यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन इतने लोग तो आपसे बात करते ही है जी। कुछ ऐसी क्वेश्चन आप मुझे बताइए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया हो या दिल को छू गया हो। पाताल लोक में नहीं फैंस जो आपको अच्छा पूछते हैं, तो वो सवाल पूछते हैं उनमें से या कोई कॉम्प्लीमेंट, उनमें से कॉम्प्लीमेंट भी बताइए, सवाल भी बताइए जो आपका फेवरेट हुआ। कॉम्प्लीमेंट तो बड़े बड़े अतरंगे आते हैं, मतलब वो अलग अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग किरदारों के साथ जुड़े हुए कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो वो तो अच्छा है ही। और दूसरा क्या सवाल था, एक्चुअली बीच में पढ़ने क्वेश्चन भी बहुत अतरंगे आते हैं, मतलब पर वो है उनका अपने हिसाब से पूछते रहते हैं कुछ ना कुछ के, फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली डायलॉग वायलॉग सुनने की ज्यादा वो आती है कि डायलॉग सुना दो
AK-74 का डायलॉग सुना दो, शाहिद खान का डायलॉग सुना दो, पर क्वेश्चन ठीक ठाक ही होते हैं, जनरली पूछते हैं कि आपका प्रोसेस क्या है, आप किस तरह से अप्रोच करते हो कैरेक्टर को। फिर बीच में कोई, अभी जैसे अभी कोई पूछ रहा था कि रोहतक कब आओगे, जैसे कि इसको तो रोहतक से निकलने की आजादी है, ये तुम तो निकल नहीं पा रहे हो, मैं बॉम्बे से कैसे निकलूंगा। तो जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो रोहतक में आएंगे। तो जैसे कि आपने कहा काफी लोग आपके डायलॉग सुनना पसंद करते, तो एक हमें भी सुना ही दीजिए। हाँ सर, एकदा जी कह रही है, सर आपने कहा था कि आप फोन नहीं यूज करते और आज आपने बस लाइव ही आए, क्या करें सुनिग्धा जी, मजबूरी है। क्योंकि अभी अभी आप लोगों तक हमारी बात पहुंचानी जरूरी है, इस काम को लेके आए गीता जी, तो और कोई चारा नहीं है, नहीं तो शायद और दूसरे तरीकों से भी आपसे बात कर रहे होते, टीवी से, फोन से, अखबारों से और पोस्टर से, पर अभी यही एक प्रोसेस है जो जिसके तहत हम आपके पास पहुंच सकते हैं। पहली बार किया है मैंने इतना कुछ। हाँ जी, तो मैं कहा थी, मैंने मैंने जैसे आपने कहा कि लोग आपसे काफी बार रिक्वेस्ट करते हैं फॉर डायलॉग्स, तो हमें भी ब्लेस कर दीजिए हमारे लाइफ पे विद द डायलॉग। अरे मैम अभी क्या सुनाएं आपको, इसी का सुना देते हैं, पाताल लोक का है कि ये जो दुनिया है ना, दुनिया ये एक नहीं तीन दुनिया है, सबसे ऊपर स्वर्ग लोग जहां देवता रहते हैं, बीच में धरती लोग जहां आदमी रहते हैं, और सबसे नीचे पाताल लोग जहां कीड़े रहते हैं। वाह, सो ये तो रहा हमारा डिस्कशन आपके साथ, हमने तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछ ही लिए, अभी आखिर में आप हमें बताइए, आपके सारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हो, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू से। देखिए अभी तो ये है कि सबसे पहले तो ये कि प्लीज घर पे रहो, क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं है हमारे पास, जब तक की वैक्सीन नहीं आती, जब तक इसका इलाज नहीं आता है, तो आप जितना घर पे रहोगे उतना उतना आप अपने लिए सेफ हो, अपने परिवार के लिए अच्छा कर रहे हो, और बाहर जो लोग आपको डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं, जो हमें हमें सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी आप ज्यादा ना बढ़ाएं, तो प्लीज अपने घर पे रहिए। और दूसरा आपके लिए लेके आ रहे हैं हम, 3 दिन बाद आप घर पे बैठ के अपना आराम से पाताल लोक देखिए, बहुत मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा, टेंशन मत लो आप लोग, और अपने आपने अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए, कोई बात नहीं, थोड़ा कठिन समय है, सब सब ठीक हो जाएगा। एक फैन क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज इट टुक टू शूट पाताल लोक? टोटल 95 days, 95 to 100 days on set, शूटिंग डेज, बाकी टोटल प्रोसेस में करीबन करीबन 5 महीने लग जाते हैं। My God. जी. So on that note, thank you विपिन सर, thank you सुनीता, thank you हरदीप, और thank you अंकुर, निखिल, पूनम, thank you भाई, thank you सबको, बहुत बहुत शुक्रिया, सुरक्षित रहे अपने घर पे, और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी थैंक यू सर हमारे साथ ये लाइव चैट करने के लिए और इंस्टाग्राम लाइव सीखने के लिए, ताकि हम जी जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, एंड स्टे सेफ एंड लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। So guys, that was Jaydeep Alawat with us. I hope आपको ये live conversation पसंद आया हो। आप ये conversation दोबारा से देख सकते हो, obviously क्योंकि मैं save करूंगी। But in case if you miss on और आपको दोबारा से बाद में देखना हो, तो हमारे YouTube channel को जरूर subscribe करना, which is Bollywood Bubble। और भी ढेर सारी वहाँ पे Bollywood news और content आता है। So आप अपने आप को वहाँ से भी entertain रख सकते हैं। And thank you for watching till now. This is your host Drishti Pathak signing out. Stay home and stay safe.